नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से संबंधित है, जो 2 फरवरी को झारखंड में सबसे पहले पाकुड़ में प्रवेश करेगी। झारखंड में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। रविवार को मंत्री आलमगीर आलम ने अपने आवास इस्लामपुर बरहरवा में तैयारी को लेकर बैठक की। गौरतलब है कि झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फरवरी को पाकुड़ के राजग्राम में प्रवेश करेगा। पाकुड़ शहर होते हुए यात्रा का रात्रि विश्राम लिट्टीपाड़ा प्रखंड में किए जाने की संभावना है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा आम लोगों की यात्रा है, इसमें पार्टी का झंडा नहीं लगा है। ये शोषितों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को न्याय दिलाने की यात्रा है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की यात्रा है। हमारे लिए यह बड़ी बात है कि हमारे नेता झारखंड में न्याय यात्रा का शुभारंभ पाकुड़ से कर रहे हैं। इसके लिए हमें आम लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। तैयारी बैठक के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं कांग्रेस के युवा नेता तनवीर आलम ने क्या कहा, उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज, झारखंड। राहुल जी का भारत जोड़ो नई यात्रा का शुरुआत 14 जनवरी मणिपुर से शुरू हुआ है और ये यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 67 दिन में तय करेंगे और मणिपुर के बाद एक के बाद एक प्रदेश करते हुए आ रहे हैं। 2 तारीख पश्चिम बंगाल से राजग्राम होते हुए पाकुड़ जिला में उनका यात्रा आएंगे और इसीलिए हम यहाँ के तमाम वर्कर्स को आज बुलाए थे कि राहुल जी का आगमन हो रहा है। भारत जोड़ो नई यात्रा ये देशवासी के न्याय दिलाने के लिए उन्होंने जो बेड़ा उठाया है उसका समर्थन इस क्षेत्र के लोग, देश के लोग कर रहे हैं। आप लोग भी उसमें आइए और उनकी बात उनको देखें, उनकी बात को सुने। आज नई यात्रा जो हम कहते हैं, आज देखा जाए कि हमारे समाज में आज बेरोजगार नौजवान अपने डिग्री लेकर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं। आज किसान अपने अनाज पैदा करते हैं, उन्हें जो है अपना अनाज के सही मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है, आत्महत्या हो रही है। उसी तरह आज एक नहीं अनेक उदाहरण है, चाहे हॉकी प्लेयर का खिलवाड़ से लेकर ओलंपिक महिला के जो हमारे खिलवाड़ थे उन पर किस तरह का शोषण हुआ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो नए एक यात्रा है और ये यात्रा के तहत जो हमारे यहाँ जो लोगों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, लोग जो हमें जो चाहते हैं उसे नहीं पा रहा है। आज एक ऐसा तंत्र है जो उनके साथ नहीं है। जब ऐसा कोई सुनने वाला नहीं होता है तब हम लोग अपना यात्रा के माध्यम से लोगों का अपने संदेश पहुंचाने की काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये संदेश आने वाले समय के लोग समझेंगे और निश्चित तौर पर जो विचारधारा के साथ जिस देश की आजादी हमें प्राप्त हुई थी वो हम भी कर रहे हैं। इसी यात्रा के क्रम में झारखंड आ रहे हैं। 2 तारीख को उनका यात्रा शुरुआत होगी पाकुड़ से। इसी आप के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोग जो है पाकुड़ साहेबगंज और अगल बगल के लोग उस यात्रा में आए। मैं उनका जो आएंगे सबके लिए समझना होगा कि किस चीज का न्याय के लिए राहुल जी आज निकले हुए। आज जो भारत देश में जो परिस्थिति है ये सारे चीज हमसे छुपा हुआ नहीं है। हम जानते हैं कि आज हम कितनी कितनी कठिनाई से हम लोग आज जूझ रहे हैं। आज आप अगर देखें तो हमारे किसान जो भाई हैं, जो मजदूर हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, आज उनको उचित मूल्य में उनको फसल का दाम नहीं मिल रहा है। आज वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज महिलाएं पर अत्याचार हो रहा है, आज पढ़े लिखे बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान आज सड़क पर डिग्री लेके घूम रहे हैं, आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुका है, लेकिन इसके बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं होता। जब भी टीवी खोलिएगा तो आपको कुछ अलग ही वहां पर दिखने को मिलेगा। जब सब तंत्र बंद हो जाते हैं और लोगों तक बात को पहुंचाना होता है
तब आपके पास एक ही उपाय होता है कि आपको सड़क पर उतरना होगा और सड़क का सीधा संवाद आम लोगों से करना होगा और इसी का न्याय को लेके राहुल जी ने यह न्याय यात्रा स्टार्ट किया। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज उनका शुरुआत झारखंड में हमारे पाकुड़ विधानसभा से होने जा रहा है। निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरा राज्य ये चीज को देखेंगे कि आज राहुल जी का जब आगमन झारखंड में पाकुड़ की धरती पे होती है तो कैसे हम लोग उनका स्वागत करते हैं। ये चीज हम लोग हम जानते हैं कि किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। एक बुलावट में अगर इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं तो राहुल जी के नाम से पावन सीताराम जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। राहुल जी ने जो मोहब्बत का दुकान खुला है ना, बहुत अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है। आप किसी से नहीं डरते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। असम में बीजेपी गब्बन है, वो गब्बन ने यह प्रोग्राम को बैन करने के लिए जोरदार कोशिश कर रहा है। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा असम की जनता की आवाज की यात्रा है। आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है, मारा जाता है। That you have a soldier in New Delhi,